बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, ये वाईफाई पहले से कनेक्टेड है, C7 प्रो। और ये देखें, ये हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे जीमेल अकाउंट मांग रहा है, FRP लगा हुआ है। ये देखें, SMC7010 C7 प्रो। ये इसकी नीचे की साइड, और ये साइड पे सिम जैकेट जो कि निकला हुआ है। हम इसके अंदर सिम लगाएंगे जिसको पिन कोड लगा हुआ हो। आप ऐसी सिम इसमें डालें जिसको पहले से पिन कोड लगा लें। पिन कोड लगी हुई सिम आप इसमें डाल दें, SIM 1 में उसको डालें। और ये देखें, हम इसमें कनेक्ट करते हैं। वाईफाई पहले से याद रखें कनेक्ट हो, या फिर आपके सिम के ऊपर डाटा पैकेज होना चाहिए। ये देखें, ये पिन कोड मांग रहा है। अभी हम सिम को बाहर निकालेंगे। सिम को बाहर निकालने के लिए हम इस तरह से पुश करेंगे। जैसे ही सिम बाहर आएगी तो हम पावर बटन दबा देंगे। ये पावर बटन प्रेस करें, और ये देखें, ये ऑप्शन आ चुका है। इस तरह से आप ये देखें, ये साइड में करने से सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। मैं ज़रा जूम कर लूँ। सेटिंग्स में आप जाएंगे, अगर सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा लेट हो गया। तो नीचे करें, नोटिफिकेशन सेटिंग्स आ गया। ये देखें, ये नोटिफिकेशन सेटिंग में क्लिक करें, और नीचे नीचे यूट्यूब, ये यूट्यूब में जाएं। इन एप्स नोटिफिकेशन सेटिंग और अबाउट में, अबाउट में जाने के बाद गूगल पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी में इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाएगा। कैंसिल करें, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे bit.ly/FRP और अंडरस्कोर, कहाँ गया अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यहाँ पे, ये हम यहाँ से ये देखें, ये रहा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर गूगल, GOOGLE गूगल, और गो कर देंगे। ये हम इस लिंक पे आएंगे। ये इस लिंक पे Android 6 GM, इसको डाउनलोड करें। ये भी स्टार्ट होने लगा है डाउनलोड, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये गूगल अकाउंट मैनेजर की एप्स है। और दूसरी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जो कि है bit.ly/FRP_bypass। ये हम गो करेंगे, सर्च करेंगे, और इसके भी हम इस लिंक पे पहुंचेंगे, FRP bypass, इसको डाउनलोड कर लें। ये भी डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टिंग डाउनलोडिंग। और बुक मार्क्स में जाके हिस्ट्री, डाउनलोड स्टोरी, और ये Android 6 GM APK डाउनलोड हो रही है। FRP bypass जो है छोटी एप्लीकेशन थी जो कि डाउनलोड हो चुकी है पहले से। पहले हमने Android 6 GM को इंस्टॉल करेंगे जो कि गूगल अकाउंट मैनेजर की है। ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद Android 6 GM सेटिंग में जाएं, अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स कर दें, इंस्टॉल करें, डन कर दें। और इस तरह से ये FRP bypass एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर दें, ओपन करें, और 3 डॉट में जो है ब्राउज़र साइन इन, ओके। और यहाँ पे आप पहले से बना हुआ कोई भी जीमेल अकाउंट आप इसमें डाल दें जो कि पहले से बना हुआ हो। आपका कोई भी अकाउंट इसमें नया भी है तो डाल सकते हैं, वो डाल के नेक्स्ट कर दें पासवर्ड, और यहाँ पे उसका पासवर्ड इंटर कर दें और साइन इन हो जाए। ये साइनिंग इन हो चुका है, ये साइन इन हो चुका है, लॉग इन हो चुका है। अभी आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर दें, ये रीस्टार्ट हो रहा है। C7 Pro Galaxy
ये सिम ट्रे बाहर निकला हुआ था, इसको मैं मुकम्मल ही निकाल लेता हूँ बाहर सिम को। सैमसंग गैलेक्सी C7 प्रो स्टार्ट नेक्स्ट, वाईफाई कनेक्ट है और ये इंस्टॉल फोटो फोटोज, ये कोई फोटोज की एप्लीकेशन में ये पता नहीं क्या आ गया। बहरहाल इसको बैक करते हैं। चेकिंग जस्ट ए सेकेंड, ये देखें अकाउंट ऐड हो चुका है, अकाउंट इज एडेड। इसको नेक्स्ट करें, डोंट रिस्टोर, नो थैंक्स, स्किप, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, और इस तरह हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, फाइनल, फिनिश्ड। और इस तरह आप सेटिंग में जाएं और अबाउट में आपको दिखाता हूँ इसका एंड्रॉयड वर्जन जो कि है 8.0.0। ये देखें C7 प्रो, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, एंड्रॉयड वर्जन 8.0.1, सिक्योरिटी पैच S3 जो कि हमारा बाईपास हो चुका है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।